दोस्तों, मैं हूं टुनटुन चिड़िया। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरी नई नई प्यारी प्यारी स्टोरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजू कॉमेडियन एक बहुत ही अच्छा कलाकार था। वो लोगों को हंसाता था। टूनी उसके साथ उसके घर पे रहती थी। उसकी बीवी उसकी बहुत ही सेवा करती थी। अरे राजू जी, आप लोगों को इतना हंसाते हैं, आप घर पे क्यों नहीं हंसते हैं? घर पे तो आप मुंह लटकाए बैठते हैं, कभी थोड़ा हंस भी लिया करो। अरे टूनी, तुझे क्या बताऊं, लोगों को हंसाते हंसाते मैं अपनी जिंदगी जीना ही भूल गया हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता सुबह कब होती है और शाम कब होती है। कब सेट पर जाके लोगों को हंसाता हूँ, कब घर आऊं, खाने का भी कोई अता पता नहीं है मेरे। अरे अरे राजू जी, आप तो सीरियस ही हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। आप पता है कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को हंसाते हैं, उनके गमों को दूर करते हैं, तो आपको कितनी दुआएं मिल रही होंगी लोगों से। अरे भाग्यश्री, लोगों की दुआओं से ही तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इतना नाम कमाया है। लोग सोचते होंगे मेरी जिंदगी कितनी हसीन है, पर जब वो यहाँ आएंगे तो उनको पता चलेगा मुझे तो खाने का भी समय नहीं मिलता है। पर खैर छोड़ो, अपनी क्या चिंता करनी, इतने में ही खुश हूँ कि लोग मेरी वजह से खुश होते हैं, हंसते हैं, अपने गमों को दूर करते हैं। बिल्कुल सही कहे। चलो राजू जी, आज हम घूमने चलते हैं। ठीक है टूनी, चलो कहाँ चलना है? चलिए आज हम मूवी देखने चलते हैं। कौन सी मूवी देखोगी टूनी? आज हम देखेंगे सूर्यवंशम। कितनी पुरानी मूवी है, हमारे समय पर कितनी चलती थी, अभी तक उसका नाम लोगों के मुंह पर है। ठीक है भाग्यश्री, चलो आज मूवी देखने चलते हैं। राजू और उसकी पत्नी टूनी मूवी देखने जाते हैं। रास्ते में राजू के फैन आ जाते हैं और उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं। सर सर, आप हमें बहुत हंसाते हैं और हमारे दुखों को भी दूर करते हैं। मेरी माँ बीमार थी और वो आपके प्रवचन सुनकर और आपकी बातें सुनकर बहुत खुश होती हैं और उनकी हेल्थ अब ठीक होने लगी है। थैंक यू सो मच सर, प्लीज आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे क्या? हाँ सर, मेरे घर में भी बहुत दुख का माहौल चल रहा था, पर जब भी टीवी पर आपको देखते हैं तो हमारे घर में खुशियाँ आ जाती हैं। अरे अरे, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके घर वाले मेरी वजह से खुश हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, मुझे ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। राजू फैंस को ऑटोग्राफ देता है और आगे निकल जाता है। टूनी, क्यों ना हम मंदिर चलें? मुझे इन सब की बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत ही नेक काम कर रहा हूँ। भगवान के आशीर्वाद से मैंने बड़ा घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, और भगवान को थैंक यू करना तो भूल ही गया। तो मैं चाह रहा हूँ अभी हम मंदिर चलते हैं। आप सही कह रहे हैं जी, चलिए हम मंदिर चलते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। इतने दिनों से मंदिर भी नहीं गए और मैं सोच रही थी क्यों ना भगवान के लिए लड्डू का भोग लेकर चले, प्रसाद लेकर चलते हैं और भगवान से धन्यवाद कहते हैं। राजू और उसकी बीवी टूनी पास के मंदिर में जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद वो बाहर खड़े लोगों को प्रसाद देते हैं। वहाँ मंदिर में भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और राजू के पास उसके फैंस आते हैं और ऑटोग्राफ मांगते हैं। राजू और उसकी बीवी बहुत खुश होते हैं। राजू की आंखों से पानी निकल आता है और राजू मन ही मन बातें करता है। हे भगवान, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों का भला कर सकूं। लोग मेरी वजह से स्माइल कर पा रहे हैं, खुश रह पा रहे हैं, ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है और मैं आगे भी आने वाले समय में ऐसा करता रहूंगा और हिस्ट्री में अपना नाम छोड़कर जाऊंगा ताकि लोग मुझे याद करके हंसते रहे। मंदिर में माथा टेकने के बाद राजू और उसकी बीवी मूवी देखने जाते हैं। मूवी थिएटर में बहुत से लोग होते हैं, वहाँ पर उन्हें टिकट नहीं मिलती है, तो वे फिर वापस घर चले जाते हैं। रास्ते में राजू को बहुत खांसी होती है। टूनी, काफी दिन से मेरा गला खराब है। अरे आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा कि तुम चिंता में आ जाओगी।
अरे आप मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताएंगे? चलो मैं आपको दवाई देती हूँ, ये डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। दोनों लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, इनको चेक कीजिए ना, काफी दिनों से इनका गला खराब है और बहुत जोर जोर से खांस भी रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है मुझे कोई बीमारी हो गई है। डॉक्टर राजू का चेकअप करते हैं और कुछ टेस्ट लिख कर देते हैं। राजू टेस्ट करवाता है और उसके टेस्ट में कैंसर निकलता है। राजू कैंसर से पीड़ित था और लास्ट स्टेज पर था। सॉरी टूनी बहन, इनके पास 2 दिन ही बाकी हैं। तुम इनकी अच्छे से सेवा कर लो। क्या डॉक्टर साहब? इन्हें कैंसर है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है। टूनी, तुम मेरे जाने के बाद सब संभाल लेना। ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। डॉक्टर कहिए ना, आप झूठ कह रहे हैं। नहीं टूनी बहन, मैं सच कह रहा हूँ। ये देखो रिपोर्ट्स, आपके सामने ही सब कुछ है। टूनी बहुत परेशान होती है और राजू को साथ घर लेकर जाती है और राजू को देखती रहती है। 2 दिन बीतते हैं और राजू की मृत्यु हो जाती है। राजू तो चला गया, पर राजू का नाम हर इंसान के मुंह पर रहेगा, क्योंकि राजू ने टीवी के माध्यम से हर घर में खुशी लाई है। हर बच्चा बच्चा राजू को जानता था। जो लोग कुछ कर जाते हैं उनका नाम हमेशा जुबान पर रह जाता है।